वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा, प्यारी साध संगत जी, असी तुहाडे नाल जो भी कथा तुहाडे नाल सांझी कीती जांदी है ओह एक सच्ची हडबीती हुंदी है, वह संगतां नाल वापरी हुंदी है। चलो इन्ने एक्सपीरियंस नाल साडा भी एक्सपीरियंस है कि जी असी मनो तनो हो के परमात्मा दे गुण गाइए ना, मनो तनो हो के जी असी सच्चे मन ना बिना हंकार तो बिना किसी स्वार्थ तो असी गुरबाणी पढ़ते हैं ना, वह सानू परमात्मा दे इन्ने नेड़े लैके जाती है ना कि तुसी जिन्ने मर्जी जिदा मतलब दिन एक दिन दे विच तुसी सानू नहीं पता कि असी की करते हाँ, किन्ने क पाप हो जाते हैं। पाप ये नहीं कि तुसी किसे नू मारदे हो, पाप ये नहीं कि तुसी किसे नू मतलब भी तुसी सामने किसे नू बोलदे हो जां अगले नू बेइज्जती करदे हो। पाप ये हुंदा कि किसे दा दिल दुखाना, किसे गरीब अत्याचार ते गरीब ते अत्याचार करना, या किसे गरीब दी सुननी नहीं, सिर्फ अपनी मैं मनाउणी। अत्याचार कई प्रकार दे, अत्याचार कई तरह दे हुंदे ने। किसी का दिल दिखाना, किसी ने कोई गल नहीं पसंद आती असी उन्हें तां भी मजबूर करते हाँ, इस तरह कई तरह के अत्याचार होंदे ने। तो इस करके सानू किसी दे नाल भी माड़ा सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि साडा कीता होया माड़ा सलूक ना साढ़े अगे आता है। साडा कीता होया माड़ा सलूक किसी नू किन्ना क बुरा लग सकता है या किसी नू कित्थे तक दिल तक ठेस पहुँचा सकता है। इस करके सानू अपने मन ते सानू अपने सलूक अपने व्यवहार च तब्दीली लियानी चाहीदी है। सानू वधिया तरह का सलूक करना चाहीदा है हर एक नाल, बोलबाणी हर एक नाल प्यार ते सहज नाल सारयां नाल बोलना चाहीदा है, ते सारयां दी इज्जत करनी चाहीदी है। क्योंकि साडे द्वारा कीता गया कोई भी अपमान ना कई वेले बंदे को सहन नहीं हुंदा, ते रब दी रजा च भी वह पाप हुंदा है। किसी का दिल दुखाना ये सब तो वड्डा पाप है। जे कोई गरीब है जिस तरह का भी है उसनू एक्सैप्ट करो, जे उसनू परमात्मा ने तुहाडे नाल लाया है कुछ सोच समझ के ही लाया होएगा ना। इस करके रिश्ते मनमुख बंदे नहीं बनाउंदे, रिश्ते तो रब बनाउंदा है, ते जिहड़े असी आप बनाउंदे हाँ उहनां दा नतीजा सानू आप भुगतना पैंदा है, फिर असी दोष रब ते कातों दईए। इस करके ये जो गाथा अज मैं तुहाडे नाल सांझी करांगी ना ये न्यूजीलैंड दी है। ये बाबा सरबजीत सिंह ने कथा करदे हुए कीर्तन दरबार विच सुनाई सी, जो कि मेरे मन नूं बहुत ही वधिया लगी। मैं चाहनी हाँ कि ये कथा मैं तुहाडे नाल सांझी करां, जो उस वीर दी हडबीती है किवें किस तरह उहदे नाल की वापरिया है सब कुछ विस्तार नाल कहांगे। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, फतेह प्रवान करना जी। धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। देखो कथा करते हुए कोई भी गलती होवे ना तां माफ़ करना, क्योंकि समर्थ तो कोई भी नहीं हुंदा, हर एक च कोई ना कोई तो कमी हुंदी ही है किसी ना किसी तरह की। चलो परमात्मा का इन्ना शुक्र है कि सानू इस काबिल बनाया कि असी किसी नू कुछ सुना सकीए या किसी नू कुछ दस सकीए ना। परमात्मा दी राह ते चलना बहुत औखा हुंदा है, बाकी माड़े कम्मां च पैना, माड़े काम करना, माड़ी संगत च पैना, खालसा जी ये चुटकियां दा काम है। माड़ी संगत माड़े काम ते बंदे नू माड़ा बना ही देंदे हन। इस करके चंगे काम जिन्ने हो सकदे ने चंगे कर्म करिया करो, तां कि सानू अगे लेखा जोखा जो देना होवे ना उस असी सही तरीके नाल दे सकीए अपना लेखा, अपनी करनी अपनी कथनी सुचमता ना साफ रखनी चाहिए। एक कथा बाबा सरबजीत ने कीर्तन करते हुए ना न्यूजीलैंड के वीर की सुनाई सी, पूरे दावे ना उन्होंने सुनाई सी। उन्होंने कहा सी कि मेरे को उन्होंने फोन नंबर भी है कि किस तरह एक वीर दी ना परमात्मा दे लड़ लग के जिदा अमृत खंडे बाटे दी पौल ये शकल ना ना उस वीर का जीवन किवें बदल गया, उस वीर के जीवन च किवें चमत्कार होया। देखो असी कई बार सुनीदा है जी असी अमृतसर गए साडा उत्थों आ वाला रोग ठीक हो गया। हाँ जी चमत्कारी नगरी है, धन बाबा रामदास जी ने नगर बसाया है, दसां गुरुआं दी देन है, दसां गुरुआं ने भगती ते शक्ति दी देन है। उस थां ते निवासदे हन शहीद सिंह, धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी निवासदे ने,
हर गुरु की शक्ति, हर गुरु की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच रची हुई है, लिखी गई है, तो वह तो समर्थ है, वो नगरी ही समर्थ है, बाकी कर्मा दा आपो अपना, भागा दा आपो अपना। देखो किस्मत ते भाग खुद बनाने पैंदे ने, भाग रब ने लिखे होंदे हन ते कर्म आप करके सानू किस्मत बनानी पैंदी है। इस तरह खालसा जी न्यूजीलैंड दा वीर है, वह कहिंदे कि असी न्यूजीलैंड पहला असी पंजाब रहिंदे सी, फिर कामकार दी वजह नाल न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड गए उत्थे कामकार वधिया चलन लग गया, फैमिली पूरी उत्थे जाके सैटल हो गई, पूरी फैमिली चलोगी, चलो परमात्मा की कृपा नाल धन दौलत शोहरत की किसी तरह की कोई कमी नहीं सी, चलो घर में माड़ा मोटा रब का नाम चलता ही रहिंदा है, जदों धन दौलत की कोई कमी ना हो तो परमात्मा की उत्थे की लोड़ है, फिर तो लोग भुल ही जाते हैं परमात्मा ना। तो कहिंदे कि धन दौलत शोहरत बेशुमार बहुता परमात्मा ने दिता सी, चलो परमात्मा का शुक्र करते सन। कहिंदे अचानक ना उस वीर की तबीयत खराब होनी रहन लग पी, कहिंदे कि उस वीर की तबीयत खराब होन लग पी, चलो माड़ी मोटी कोई कमी शरीर दे विच आ जाती है, बीमार होना, हौली हौली बहुत ज़्यादा बीमार रहन लग गए, बीमार रहन लग गए, चलो भी कहिंदे पाठ पूठ कदे कदे कर लेंदे सी, बीमार रहन लग पे, इन्ना ज़्यादा बीमार रहन लग गए कि हुण तां उन्हां को ना उठिया बैठिया भी नहीं जाता सी, बहुत ज़्यादा बीमार रहन लग पे। परमात्मा की कृपा सदका उन्होंने किसी ने कहा कि उन्होंने किसी ने कहा कि तुसी गुरुद्वारा साहिब जाया करो, अपने तुहाडे दुख कट्टे जाणगे। कहिंदे कि गुरुद्वारा साहिब जाना, पाठ करना ते बाणी पढ़िया करनी, बाणी सुनिया करनी, पर कहिंदे कोई फर्क घट ही पैना करना, क्योंकि डॉक्टरां ने इन्नी दवाई दी, डॉक्टर भी हताशा हो गए सी, हुण उन्हां नूं इहो जिहा रोग लग गया सी कि उन्हां दे शरीर विच फेफड़िया च ना उन्हां दे शरीर च पानी भरन लग पिया, पानी भरन लग पिया, एक तरह बहुत वड्डी बीमारी हुंदी फेफड़िया दा गल जाना, पानी भरन लग पिया, शरीर बिल्कुल साथ नहीं सी दे रहा, बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा। कहिंदे कि डॉक्टरां ने जवाब दे दित्ता सीगा, कहिंदे एक दिन ना वो कथा सुन रहे सी, कथा विच उन्होंने सुनिया कि परमात्मा सब दा साथ दिंदा है, परमात्मा किसी भी रूप विच आके कहिंदे कि वह वीर दे ना फेफड़ियां च पानी भरन लग पिया, बहुत दुखी रहना, शरीर विच टस टस ते इदां दा हो गया सी कि वीर बहुत तंग रहन लग पे, बहुत दुखी, हुण तां आप रब कोलों मौत मंग दे कि परमात्मा जान कढ ला, इन्ना दुख मेको तां बर्दाश्त नहीं हुंदा, घरदियां दा रो रो के बुरा हाल होना, तो घरदियां ने बहुत घरदे बहुत परेशान, कहिंदे बहुत दुखी हुए। एक दिन कहिंदे बाबा जी दा ना यूट्यूब ते उन्होंने धन धन बाबा दीप सिंह दी महिमा सुनी, कहिंदे कथा करदे हुए ना बाबा जी दी कुछ सुनिया, मन नूं अंदर तक विश्वास होया, अंदरों आत्मा ने झंझोड़िया, कहिंदे क्यों ना मना मैं पग तां बनदा ही हाँ, क्यों ना मैं दाढ़ी केस रख लां भी, चल जे हुण मेरी जिंदगी है तो क्यों ना परमात्मा दे कर्म करा, परमात्मा दे काम करा, परमात्मा ना मन जोड़ लां। कहिंदे कि वीर ने ना सोचा कि हुण तो वह दिहाड़ी केस नहीं कटाएगा, पग बन्ने दा है, पर कहिंदे दसम गुरु दे जिहड़े कंकार हन वह धारण करेगा। हुण मन बना लिया कथा सुन के कि मैं बाणी पढ़िया करनी है, बाणी जपिया करनी है, तो कहिंदे कि चलो धन धन बाबा अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने सोचा कि वाहेगुरू वाहेगुरू मैं तुहाडे चरणां नाल जुड़ांगा, मैनू इन्ना का कर दो कि मैनू पाठ करन जोगा कर दो, परमात्मा मैनू डॉक्टरां ने जवाब देता, हुण मेरी डोरी तुहाडे हाथ आ। कहिंदे ने जदों डोरी प्रभु दे हाथ पै जावे ना तां फिर तां परमात्मा बारी नियारी कर दिंदा। कहिंदे मैं धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी दा नाम लैणा, पाठ करिया करना। कहिंदे फिर ना एक दिन उन्होंने सोचा कि हुण असीं अमृत छकना है। कहिंदे जदों अमृत छकन गए ना, कहिंदे पता ही है कि खंडे बाटे की पोल भी छकनी सौखी नहीं होंगी, यह भी किसी किसी ही रास आती है खंडे बाटे की पोल। कहिंदे जदों उन्होंने सिर विच बालां विच मतलब केसां विच अमृत पाया, अखां विच अमृत पाया, हर थां शरीर ते अमृत पिया ना, कहिंदे आत्मा झंझोड़ गई, बैठिया ना जावे, बड़ी मुश्किल ना बैठे, तरले मिन्नता करदे करदे बड़ी मुश्किल ना बैठे, बहुत औखा होया। कहिंदे बड़ा औखा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਂਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਗੁਪਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੈਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।